नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बार बेंच रिलेशंस के बारे में। देखिए साहब, जब भी आप कोर्ट हॉल में एंटर करते हो तो दो जगह होती हैं, एक जगह पर जजेस बैठते हैं और दूसरी जगह पर एडवोकेट्स बैठते हैं। तो जहां पर एडवोकेट्स बैठते हैं उसे हम बार कहते हैं और जहां पर जजेस बैठते हैं उसे बेंच कहते हैं। तो जब भी हम बार बेंच रिलेशंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम जजेस और एडवोकेट्स के बीच में रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो इनके रिलेशंस का ठीक होना, कॉर्डियल होना क्यों ज़रूरी है, उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है साहब कि जुडिशरी के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहेगा तभी जब एडवोकेट्स और जजेस के बीच में रिलेशंस अच्छे होंगे। अदरवाइज अगर आपस में ही भिड़ना शुरू कर देगी जुडिशरी और ये जो एडवोकेट्स हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, तो लोगों का विश्वास घटना शुरू हो जाएगा। दूसरा है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस होगा। अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो एडवोकेट्स जो हैं सभी फैक्ट्स को, जो भी केस के लिए ज़रूरी है, जो भी केस लॉज केस के लिए ज़रूरी है, उन सभी को ठीक तरीके से प्रेजेंट करेंगे और जजेस की मदद करेंगे कि भैया वो करेक्ट डिसीजन पर बहुत जल्दी आ सके, है ना। तो इसलिए दोनों के बीच में रिलेशन ज़रूरी है। तीसरा कारण है कि जो जस्टिस पाने के, भारत देश में अगर हम बात कर रहे हैं तो जस्टिस लेने के लिए भी, इंसाफ पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है केसेस को लंबे समय तक लड़ना। तो जब आप स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस कर रहे हो, जब आप जस्टिस में जो भी डिले हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपके रिलेशंस अच्छे हैं, तो उससे अल्टीमेटली लोगों का फ़ायदा होगा, जनरल पब्लिक का फ़ायदा होगा। और क्योंकि जो जुडिशरी है वो मेनली बनाई किस लिए गई है, ताकि लोगों को न्याय मिले, और अगर उनको न्याय मिल पा रहा है तो इसके लिए भी कॉर्डियल रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी है बार और बेंच के बीच में। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि ये रिलेशंस बनेंगे कैसे। देखो, बार बेंच रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जुडिशरी के अंदर, कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, उसी तरीके से कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए एडवोकेट्स के अंदर और कुछ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए कोर्ट की तरफ, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए कोर्ट की तरफ। पहला है कि भैया एडवोकेट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जजेस को जो भी उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है उनको देनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, खासकर कोर्ट रूम में तो बिल्कुल भी नहीं कहने चाहिए। जब आप प्रोसीडिंग कर रहे हो तब आपको संयम बना के रखना है, सेल्फ रिस्ट्रेंट अपने आप को रखना है, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, अपने टेम्पर को। गुस्सा आ भी रहा है तो भी एक सभ्य व्यक्ति की तरह उस चीज़ को प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने। और ये जो प्रोसीडिंग्स के सामने आप जजेस को इज्जत दे रहे हो, अगर इस इज्जत को आप कोर्ट रूम के बाहर नहीं देते हो तो ये पब्लिक देखेगी और इससे बुरा असर पड़ेगा कोर्ट की रेपुटेशन के ऊपर। इसलिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान तो आपको इज्जत करनी ही है, उसके अलावा कोर्ट के बाहर भी अगर आप जजेस से मिल रहे हो एज एन एडवोकेट, तो आपको उनकी जो भी उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो देनी चाहिए, देनी होगी। ठीक है जी, अगला है साहब कि जजेस जब भी कोई केस का ट्रायल चल रहा है तो उसमें आपको जजेस की पूरी मदद करनी है ताकि वो करेक्ट डिसीजन पर आ सके। कैसे आप मदद करोगे, जो भी केस लॉज रेलेवेंट हैं उस केस से उनको आप प्रेजेंट करोगे कोर्ट रूम में, और जो भी आपको विटनेसेस का एग्जामिनेशन करना है उसको आप प्रॉपर तरीके से करोगे। इसके अलावा जो भी फैक्ट्स आपको प्रेजेंट करने हैं उनको उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, कोई भी उन फैक्ट्स के साथ कोई भी जो है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करोगे, विटनेसेस को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक तरीके से जो भी आपको प्रेजेंट करना है सीधे तौर पर कोर्ट के सामने पूरी सच्चाई के साथ आपको प्रेजेंट करना है, और इसी तरीके से आप जजेस की मदद करोगे सही डिसीजन पर अराइव करने के लिए, है ना। तीसरा है साहब, अगर जजेस ने इसके बावजूद कोई गलत ऑर्डर दे दिया है तो आप ऐसा नहीं है कि उनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में चले जाओगे और उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे कि भैया इतना सब कुछ तुम्हें बताया है, आपके सामने ये सारे फैक्ट्स रखे हैं, फिर भी आप गलत ऑर्डर दे रहे हो। इस तरीके से उनकी बेइज्जती नहीं करनी है। क्या करना है, आपके पास अपील का एक ऑप्शन है, अगले कोर्ट में जाइए, अपील करिए और उस ऑर्डर को ठीक करवाइए। ठीक है जी, क्योंकि पब्लिक के सामने आपको वेल बिहेव्ड मैनर में ही पेश आना है। चौथा है साहब, अगर आपको कभी भी ऐसा देखा जाता है कि आप अपने फेवर में ऑर्डर लाने के लिए किसी भी तरीके से जजेस को इलीगल ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, या कोई भी गलत तरीके से कोई उनको ब्राइब दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, या प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, कोई आपकी पार्टी जो है, जो भी आपका क्लाइंट है वो बहुत पावरफुल है, वो अपने तरीके से केस को मोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे केस में ये जो है ये गलत बिहेवियर शोकेस करता है, आपका जो कंडक्ट है वो सही नहीं है, इसको आपको ठीक रखना होगा, ऐसा नहीं करना होगा। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हो तो जो बार एसोसिएशन है, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है जी, कभी भी जजेस को इन्फ्लुएंस या प्रेशराइज करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। पांचवा है साहब कि जजेस का अगर कभी भी बिहेवियर इरिटेटिंग होता है, कभी भी वो डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं एडवोकेट्स की तरफ, कभी भी भैया उनके ऊपर इतना बर्डन है, इतना प्रेशर है, केसेस को इतने सारे केसेस के साथ वो हर रोज़ डील कर रहे हैं और हर केस में सही डिसीजन देना है उनको,
तो भैया कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो कि आपके लिए हो सकता है डिसरेस्पेक्टफुल हो। तो ऐसे केस में आपको लड़ना नहीं शुरू कर देना है जजेस के साथ, आपको क्या करना है पोलाइटली उनसे बात करनी है। कैसे आप बात करोगे, बार एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स को आप उनके चैम्बर में लेके जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भैया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस तरीके का मिसबिहेवियर रिपीट ना करें। तो इससे क्या होगा, जजेस की भी इज्जत बनी रहेगी और आपकी बात भी उन तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आपको मामलों को हल करना है ताकि जनरल पब्लिक की नज़र में हमेशा कोर्ट की जो रेपुटेशन है वो ख़राब ना हो, वो बनी रहे, उनका विश्वास बना रहे। क्योंकि कोर्ट सिस्टम या जुडिशरी तभी तक काम कर सकता है जब तक लोग इस पर विश्वास करते हैं, है ना। अगर आपको कल विश्वास ही ना हो कि आप कोर्ट जाओगे और आपको न्याय मिलेगा तो आप कोर्ट जाओगे क्यों, फिर तो ये पूरी व्यवस्था ही ढल जाएगी। इसलिए आपको हर वो कोशिश करनी है जिससे कि कोर्ट की रेपो बनी रहे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कि यहाँ पर तो हमने बार की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बात करी, आगे बात करते हैं कि बेंच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये जो रिलेशंस हैं बार बेंच रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। तो पहली चीज़ जो जजेस को करनी चाहिए भैया कि जुडिशियल रिस्पेक्ट, जैसे एडवोकेट्स जजेस को इज्जत दे रहे हैं उसी तरह जजेस की भी ये जिम्मेदारी है कि वो एडवोकेट्स को इज्जत दें और उनके साथ कोई भी बदसलूकी ना करें। ठीक है जी, दूसरा है पेशेंट हियरिंग। अगर आपको लग भी रहा है कि अब मुजरिम बिल्कुल आपके सामने खड़ा है फिर भी आपको बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी बायस के, बिना एक तरफा सोचे, है ना, पेशेंटली जो है सुनना है, पूरे केस को प्रेजेंट करने देना है। कभी भी अगर विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसमें कोई भी इंटरप्शंस नहीं करने हैं। देखो, जब भी इंटरप्शंस नेसेसरी होते हैं तब तो आप करेंगे ही, लेकिन जब भी नेसेसरी नहीं है तो आपको अवॉइड करना है। तो कब नेसेसरी होते हैं उसके भी मैं कुछ आपको कंडीशंस बता देता हूं भैया। जब भी एडवोकेट जो है बार बार एक बात को रिपीट करते जा रहा है, क्योंकि कोर्ट का जो वक्त है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप उस समय एडवोकेट को अगर इंटरप्ट करते हो तो वो वैलिड है, वो ठीक है, उसको आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा अगर एडवोकेट जो है वो केस से रेलेवेंट बात नहीं कर रहा है, है ना, तो ऐसे केस में भी आप इंटरप्ट कर सकते हो। तीसरा है साहब, अगर आपको किसी बात पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, एडवोकेट कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोर्ट को वो ठीक से समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उससे साबित क्या होगा, तो क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए भी आप इंटरप्ट कर सकते हो। चौथा है कि कोर्ट को अगर अपना कोई व्यू या ओपिनियन प्रेजेंट करना है प्रोसीडिंग्स के ऊपर तो उसमें भी आप इंटरप्ट कर सकते हो। और आखिरी है साहब कि अगर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस को प्रमोट करने के लिए आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है तो ये बिल्कुल वैलिड है, आपको करना ही चाहिए। एक एज अ जज आपकी ये जिम्मेदारी है कि वो केस जो है जल्दी से जल्दी सही निर्णय पर पहुंचे, सही कंक्लूजन पर पहुंचे, है ना, तो इसलिए आप इंटरप्ट कर सकते हो। इसके अलावा कभी भी आपको अवॉइड करना चाहिए इंटरप्ट करने से, क्योंकि अगर आप उसको बार बार इंटरप्ट करोगे एडवोकेट को तो वो सही तरीके से एग्जामिन नहीं कर पाएगा विटनेस को, सही तरीके से जो भी उसको प्रूफ कलेक्ट करने थे वो नहीं कर पाएगा और सही तरीके से केस को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, जिसका जो खामियाजा है वो ये होगा कि न्याय लोगों को मिलने में मुश्किल हो जाएगी। और यही तो आपका ऑब्जेक्टिव था, जुडिशरी का ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जिस्टेंस में, जुडिशरी आई क्यों है अस्तित्व में, उसका रीज़न यही है कि लोगों को न्याय दिलाना है। तो उस प्रक्रिया को आपको ठीक से करना है, अननेसेसरी इंटरप्शंस को अवॉइड करना है। ठीक है जी, इसके अलावा साहब प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि केसेस में कुछ प्रोविजंस आपको, जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं या जो भी और लॉज लिखे हुए हैं कहीं पर भी कोडिफाइड हैं, या इवन नेचुरल लॉज की भी बात हो रही है, तो केस से रेलेवेंट जो भी लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करने का, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई भी एम्बिग्यूटी हो रही है, तो उस केस में आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी है, किसी भी क्लाइंट को फेवर नहीं करना है। ठीक है जी, उसके अलावा साहब अनरीजनेबल एडजर्नमेंट्स नहीं करने हैं। कई बार होता है ना कि कोर्ट को स्थगित कर दिया जाता है, अगली डेट दे दी जाती है केस के लिए, तो उसका पर्पज़ ये होता है ताकि दोनों पार्टीज़ को सफिशिएंट टाइम मिल सके अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, सफिशिएंट प्रूफ्स को कलेक्ट करने के लिए, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिफेंड करना है, उसको बचाना है, उसके लिए ताकि जो दोनों ही पार्टीज़ को न्याय मिल सके। लेकिन अगर आप अननेसेसरीली जो है अनरीजनेबल ग्राउंड्स पर एडजर्नमेंट बार बार करते जा रहे हो तो उससे क्या होगा, केसेस जो हैं बिना वजह डिले होते जाएंगे और इसका जो बर्डन है वो जुडिशरी के ऊपर भी पड़ेगा और जो पार्टीज हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि उनको अननेसेसरी हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा, जब तक वो एक्यूज्ड हैं समाज में तो उनकी कोई इज्जत रहेगी नहीं, है ना। तो इसलिए आपको कभी भी एडजर्नमेंट्स अनरीजनेबल ग्राउंड्स पर नहीं देने हैं, जब भी आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, तभी आप एडजर्न करेंगे कोर्ट को। ठीक है जी, इसके अलावा साहब अनवॉरेंटेड कमेंट्स देने से आपको बचना है। कभी भी अगर आपको ये लग रहा है कि भैया कोई एडवोकेट ठीक तरीके से केस को प्रेजेंट नहीं कर रहा है या उसकी नॉलेज उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, तो कभी भी आप पब्लिकली उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे कि भैया तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम एडवोकेट कैसे बन गया, इस तरीके से आपको शब्द नहीं कहने हैं। और इसके अलावा साहब अगर आपको
एडवोकेट से कोई प्रॉब्लम भी है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आप जाइए यहाँ से कोर्ट से बाहर निकलिए या कभी भी मेरे कोर्ट में दोबारा मत आना, इस तरीके की कमेंट्स देने से आपको बचना है क्योंकि ये अनवॉरंटेड कमेंट्स हैं और एक जज से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस तरीके के कमेंट्स को देने से बचेंगे क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो कंडक्ट है, उसको पूरी पब्लिक देख रही है। अगर वो उनका बिहेवियर और कंडक्ट ठीक नहीं है, उनके मोरल स्टैंडर्ड्स हाई नहीं है, तो फिर लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जितना अच्छे तरीके से बिहेव करता है उससे बेहतर ही आपको स्टैंडर्ड सेट करना है पब्लिक के लिए। ठीक है जी, अगला है साहब नोइंग द लॉ। जो जजेस हैं उनको लॉज की डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कानून की ही ठीक तरीके से जितनी गहरी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नहीं है तो आप असेस कैसे करोगे जो भी फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं उनको, और निर्णय पे कैसे पहुंचोगे, आप तो गलत निर्णय पे पहुंच जाओगे। इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है, जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, नई डेवलपमेंट्स होते रहते हैं तो उसके साथ आपको अपडेट करना होता है, अदरवाइज आप रिडंडेंट हो जाते हो, इररिलेवेंट हो जाते हो। जैसे आपको अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो पहले कैमरास बहुत इस्तेमाल हुआ करते थे, कोडक के कैमरास अगर आपको याद होंगे, लेकिन आज किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए कि भैया आपके फ़ोन में ही उससे बेटर कैमरा आ गया है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिले हैं जो पिछले कैमराज में नहीं थे। आप फोटोज़ को डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और ये पोर्टेबल है क्योंकि फ़ोन तो हर किसी के पास रहता ही है और उसी में आपने कैमरा दे दिया। तो वो जो कोडक के कैमरास थे, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन नहीं करी, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसके साथ अपने आप को अपडेट नहीं करा, तो वो रिडंडेंट हो गए। इसलिए जजेस को भी ये जरूरत है कि जो भी लॉज में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी इनोवेशन हो रही है लीगल सेक्टर के अंदर, उस सभी नॉलेज के साथ अपने आप को अपडेट रखना है। ठीक है जी, उसके साथ इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, हमेशा ईमानदार रहना है, मोरली अपराइट रहना है, अपनी पर्सनल और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है और तभी जो एडवोकेट्स हैं और जनरल पब्लिक है वो उनकी इज्जत करेंगे। ठीक है जी साहब, और इंडिपेंडेंट रहना है साहब, कभी भी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर के काम नहीं करना है। अगर आप गवर्नमेंट के प्रेशर में आके काम कर रहे हो तो फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो फिर तो आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जो सरकार कहेगी वैसा आप निर्णय दे दोगे, है ना। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी का। इसलिए कभी भी प्रेशर के अंदर सकम होकर के आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आप एक जज हैं, जस्टिस हैं, और आपका मेन मोटिव सिर्फ न्याय देना है, ये नहीं जानना है कि भैया आपसे जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं जो देश में काम कर रही हैं वो क्या कहती हैं और उनकी क्या राय है, उसके आधार पे आपको कोई भी प्रोसीडिंग्स को डील नहीं करना है। और अपना अगर आपका कोई ओपिनियन भी है तो उसको साइडलाइन करके रखना है, आपको ठीक से जो भी केसेस, जो भी फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं सिर्फ उसी के बेस पर आपको जो है आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ानी है और निर्णय देना है। इसके अलावा साहब आपकी एक और जिम्मेदारी है, वो ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पर एडवोकेट्स और जजेस के बीच में मीटिंग्स होती रहनी चाहिए ताकि अगर कोई भी डिफरेंसेज हैं, कोई भी डिफ़िकल्टीज हैं जो कि एक पक्ष झेल रहा है, कोई भी डिफरेंसेज हैं उनके बीच में आ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व किया जा सके, है ना। क्योंकि अगर डिफरेंसेज बढ़ जाएंगे तो भैया हो सकता है लॉयर्स कभी स्ट्राइक पर चले जाएँ, कभी जजेस स्ट्राइक पर चले जाएँ, है ना। तो कोर्ट का जो एक डेकोरम है उसको मेंटेन करना है, उसके लिए रेगुलर मीटिंग्स करनी है, जो भी डिफरेंसेस है उनको रिजॉल्व करना है, ये बेंच का काम है। तो इस तरीके से अगर बार और बेंच अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे, अपने अंदर जो क्वालिटीज़ उनसे एक्सपेक्ट करी जाती हैं उनको मेंटेन करेंगे, तो बार बेंच रिलेशंस जो हैं अच्छे बने रहेंगे, कॉर्डियल बने रहेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, जो प्रक्रिया है लोगों को न्याय मिलने की, वो ठीक तरीके से स्मूथली फंक्शन करती रहेगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।